47 की आजादी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना, जिसको एक हमारे जो ह्यूमन राइट्स लॉयर थे केजी कन्नाबरन ने, उन्होंने कहा ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम स्लेव टू सब्जेक्ट टू सिटीजन. ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो ह्यूमन राइट्स का एक आंदोलन है, वो स्लेव से सब्जेक्ट से सिटीजन बनने का आंदोलन है. आज के दौर में उस सिटीजन को वापस एक सब्जेक्ट बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के रहते हुए एक पुशबैक चल रहा है, और वो कोई उसके लिए आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वर्डिक्ट नहीं होगा. उसको विजिलांते ग्रुप्स के द्वारा और भाषणों के द्वारा और एक जो डर और खौफ लोगों के अंदर भरा जा रहा है, उसके साथ हम लोगों को सिटीजन से वापस एक बार सब्जेक्ट बनाने का यह दौर चल रहा है. संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आजकल कई बार जिक्र किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड कौन करेगा? उसके अंदर बहुत सी बातें हैं. स्टेट की पावर क्या है, स्टेट की पावर पर रोक क्या है, स्टेट के फंक्शनरीज क्या करेंगे, और हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, और वो किस तरह से स्टेट की पावर पर कंट्रोल और संयम करते हैं. उस कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी अगर हमें लगता है हम अदालतों पर छोड़ दें या विशेषकर सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें, तो हिंदुस्तान का अपना इतिहास, और यहां बैठे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान संघर्ष किया है, वो जानते हैं कि ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर नहीं छोड़ी जा सकती. ये जिम्मेदारी उस समय भी इस देश के लोगों ने निभाई थी, संघर्षशील साथियों ने निभाई थी, और आज भी वो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर पड़ेगी और उनको ही निभानी पड़ेगी. कानून की हम लोग कई बार बात करते हैं. सेडिशन के कानून की हाल में बहुत चर्चा रही. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में स्पष्ट लिखा है कि उसका हिंसा के साथ, वायलेंस के साथ इमीडिएट और डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, नहीं तो सेडिशन का ऑफेंस नहीं बनता. उसके बावजूद हम जानते हैं बार बार इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है, और कई साथियों को, कई लोगों को उसके अंतर्गत मुकदमे चलाए जाते हैं. मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी है यह कहना कि जब आप पूरे उस लीगल प्रोसेस को जूझ लेंगे, आपको जेल वेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर लंबे अरसे तक केस चलाया जाएगा, आपको अच्छी तरह हम तकलीफ दे देंगे, फिर आप आइए, हम बोल देंगे हाँ हाँ भाई ये तो गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो गया. क्या इस के चलते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज के दौर में, जब सेडिशन के ऊपर, फ्री स्पीच के ऊपर इतनी बहस पूरे समाज में छिड़ी हुई है, तो क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस बात का उल्लेख करे, वो बोले कि ये पैरामीटर्स हैं, ये एक मानी हुई, जानी हुई, डॉक्यूमेंटेड बात है कि पुलिस वाला जब केस लगाता है तो उस वक्त को उस कानून में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, वो किसके इशारे पर कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, वो बातें बहुत देर बाद अदालतों के सामने आती हैं. मेरा मानना है आज जो सुपीरियर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और इस बहस में स्पष्टीकरण नहीं कर रही है, और इस दौर में साइलेंस अपने आप में एक ना एक तरफ, आप अगर चुप रह रहे हैं, अगर चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, चाहे एक इंडिविजुअल लेवल पर, तो आप कहीं ना कहीं किसी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि बीच की जगह नहीं है इस बहस में. अब कानून का क्या रोल है? कानून का बहुत से रोल हो सकते हैं. लॉ के, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शंस हैं, किस तरह काम करेंगे, उसको तय करना, लोगों की अलग अलग बातें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, टैक्सेस कैसे दिए जाएंगे, इंडस्ट्री में क्या काम हो सकता है, साथ ही में हमारे जीवन में कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारे जीवन में क्या अधिकार है, हमारी फ्रीडम्स कैसे हैं, हम अपने आप को किस आजाद तरीके से जी सकते हैं, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं. विशेषकर दलित वर्ग हो, कोई और कमजोर वर्ग हो, महिलाओं हो,
उनके लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी सके। आज कानून का इस्तेमाल क्या हो रहा है? कानून का इस्तेमाल बार बार हो रहा है लोगों के जीवन में उनकी आजादियों को छीनने के लिए। वो उतना ही सच यहां पर दिल्ली में आज है जितना वो बस्तर में है, जितना वो मारुति और होंडा फैक्ट्री में है। कानून अपने आप में एक हथियार बन गया है लोगों के हकों को छीन लेने का और उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का। और वो एक डर हर एक्टिविस्ट के ऊपर, आप कहीं पर भी किस देश में चले जाइए, हर एक्टिविस्ट के ऊपर तमाम केस लगाए जाते हैं। तो ये पूरा जो लॉ का इस्तेमाल है, जो लॉ हमारी लाइफ को ज्यादा फ्रीडम देना चाहिए था, वो लॉ आज किस तरह ऑपरेट कर रहा है, उसके ऊपर एक तीखी टिप्पणी होना और उस जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर एक शार्प क्रिटिसिज्म होने की जरूरत है। जस्टिस लॉ से ऑफ कोर्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। बात बहुत बात होती है कि कोर्ट्स में बहुत केसेस के एरियर्स है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमारे देश में जस्टिस का बहुत एरियर है। 84 के नरसंहार के सिख इसी शहर में आज तक कोर्टों में घूम रहे हैं, करकरडूमा वगैरह में। 2002 के लोग गुजरात में, उनको इंसाफ नहीं मिला। तमाम एनकाउंटर के केस जो है, और वो गुजरात में ही केवल नहीं है, कल आंध्र प्रदेश में दो पे, एक साल पहले 7 अप्रैल को दो एनकाउंटर जिसको कहते हैं, जो असल में एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, हुए थे। एक जो कुछ नौजवान मुसलमान जो अंडर ट्रायल थे उनको ले जाया जा रहा था सिमी के केस में, और दूसरे जो वुड कटर्स तमिलनाडु के, जिनको सेशाचलम फॉरेस्ट में मारा गया था 20 लोगों को, किसी के कोई केस में कुछ हिलता नहीं है। विक्टिम्स जो बहुत गरीब होते हैं किसी ना किसी तरह अदालत तक अपना केस डालते हैं और उसके बाद पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चुप हो जाता है और किसी ना किसी कारण से वो बात आगे खिंच जाती है। इशरत जहां का मुकदमा हो, 2004 का केस है, 2016 तक हर दूसरे दिन उस पर कोई ना कोई बातचीत जरूर होती है। आज ही दोपहर को टीवी में दिखाया गया कि डीजी वंजारा 9 साल बाद वापस गुजरात आए हैं, भगवा रंग की टोपी पहने हुए जिसके ऊपर भारत माता की जय लिखा हुआ है। बहुत बड़े जलूस ने उनका स्वागत किया, तिरंगा झंडा वहां लहराया गया और पूरे बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाता है। मुकदमा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और उसका कारण है जस्टिस और लॉ और जुडिशियल प्रोसेस का आज कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। कश्मीर में जिन फैमिलीज के लोगों को डिसअपीयर किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, उनके मुकदमे भी आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी के भी मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और कानून को केवल एक खौफ के रूप में, एक शस्त्र के रूप में आज हमारे बीच में रख दिया गया है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉयर्स का जहां तक सवाल है, अगर आप उन लोगों के लिए खड़े होंगे जिनके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप पर भी हमला होगा। यह पहले नहीं हुआ करता था। इसी पटियाला हाउस में पार्लियामेंट अटैक केस का भी मुकदमा किया गया था, हम लोग सब वहां पेश होते थे, किसी के ऊपर अटैक नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि आप कैसे किसी प्रोफेसर गिलानी या अफजल गुरु या किसी और के वकील बन सकते हैं। यह अपने आप नहीं हो रहा है, यह करवाया जा रहा है, यह बहुत स्पष्ट है। जगदलपुर लीगल एड ग्रुप पर एक विजिलांटे मॉब को छोड़ दिया जाता है बस्तर में सामाजिक एकता मंच के रूप से, यह विजिलांटे का रूल कायम किया जा रहा है हमारे बीच में और हमें कहा जा रहा है कि ये सही रूल है। और मैं फिर से कहूंगी कि इसमें इंस्टीट्यूशनल साइलेंस बहुत भारी पड़ेगा हमारे अधिकारों पर। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगी कि बहुत लोगों ने यहां पर पूछा कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन कौन है। आखिर हम लोगों का एक अलग रोल है डेमोक्रेसी में, बहुत जरूरी रोल है और वो सारी युवा पीढ़ी और बहुत से साथी अलग अलग तरीके से निभा रहे हैं। तो क्या रोल है
पॉलिटिकल ऑपोजिशन का ये सवाल बार बार सबके दिमाग में भी आता है, बहस का भी मुद्दा है। मैं सिर्फ ये कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी कि डेमोक्रेसी लोग चलाते हैं, डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड बाय पीपल, डेमोक्रेसी इज नेवर प्रैक्टिस्ड बाय द स्टेट, द डेमोक्रेसी इज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो उसके लिए लोग उसको जिंदा रखेंगे, वो जिम्मेदारी हमारे पर ही पड़ेगी और हमें ही निभानी पड़ेगी। शुक्रिया। नहीं हरे छूटो जाए बाबुल मोरा मोरा, नहीं हरे छूटो जाए चार कहरा डोलिया सजावे रे, चार कहरा मिले मोरी डोलिया सजावे, मोरा अपना बेगाना छूटो जाए बाबुल मोरा, नहीं हरे छूटो जाए। नहीं कर रही है और इस दौर में साइलेंस अपने आप में एक ना एक तरफ आप अगर चुप रह रहे हैं, अगर चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर चाहे एक इंडिविजुअल लेवल पर, तो आप कहीं ना कहीं किसी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि बीच की जगह नहीं है इस बहस में। अब कानून का क्या रोल है? कानून का बहुत से रोल हो सकते हैं, लॉ के, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शंस हैं, किस तरह काम करेंगे उसको तय करना, लोगों की अलग अलग बातें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, टैक्सेस कैसे दिए जाएंगे, इंडस्ट्री में क्या काम हो सकता है, साथ ही में हमारे जीवन में कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारे जीवन में क्या अधिकार है, हमारी फ्रीडम्स कैसे हैं, हम अपने आप को किस आजाद तरीके से जी सकते हैं, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। विशेषकर दलित वर्ग हो, कोई और कमजोर वर्ग हो, महिलाओं हो, उनके लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी सके। आज कानून का इस्तेमाल क्या हो रहा है? कानून का इस्तेमाल बार बार हो रहा है लोगों के जीवन में उनकी आजादियों को छीनने के लिए। वो उतना ही सच यहां पर दिल्ली में आज है जितना वो बस्तर में है, जितना वो मारुति और होंडा फैक्ट्री में है। कानून अपने आप में एक हथियार बन गया है लोगों के हकों को छीन लेने का और उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का, और वो एक डर हर एक्टिविस्ट के ऊपर, आप कहीं पर भी किस देश में चले जाइए, हर एक्टिविस्ट के ऊपर तमाम केस लगाए जाते हैं। तो ये पूरा जो लॉ का इस्तेमाल है, जो लॉ हमारी लाइफ को ज्यादा फ्रीडम देना चाहिए था, वो लॉ आज किस तरह ऑपरेट कर रहा है, उसके ऊपर एक तीखी टिप्पणी होना और उस जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर एक लेना देना ही नहीं है आपस में। कश्मीर में जिन फैमिलीज के लोगों को डिसअपीयर किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, उनके मुकदमे भी आगे नहीं बढ़ते हैं, किसी के भी मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और कानून को केवल एक खौफ के रूप में, एक शस्त्र के रूप में आज हमारे बीच में रख दिया गया है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉयर्स का जहां तक सवाल है, अगर आप उन लोगों के लिए खड़े होंगे जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप पर भी हमला होगा। ये पहले नहीं हुआ करता था। इसी पटियाला हाउस में पार्लियामेंट अटैक केस का भी मुकदमा किया गया था, हम लोग सब वहां पेश होते थे, किसी के ऊपर अटैक नहीं हुआ,
किसी ने नहीं कहा कि आप कैसे किसी प्रोफेसर गिलानी या अफजल गुरु या किसी और के वकील बन सकते हैं। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। जगदलपुर लीगल एड ग्रुप पर एक विजिलांटे मॉब को छोड़ दिया जाता है बस्तर में सामाजिक एकता मंच के रूप से। ये विजिलांटे का रूल कायम किया जा रहा है हमारे बीच में और हमें कहा जा रहा है कि ये सही रूल है। और मैं फिर से कहूंगी कि इसमें इंस्टीट्यूशनल साइलेंस बहुत भारी पड़ेगा हमारे अधिकारों पर। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगी कि बहुत लोगों ने यहां पर पूछा कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन कौन है। आखिर हम लोगों का एक अलग रोल है डेमोक्रेसी में, बहुत जरूरी रोल है और वो सारी युवा पीढ़ी और बहुत से साथी अलग अलग तरीके से निभा रहे हैं। तो क्या रोल है पॉलिटिकल ऑपोजिशन का, यह सवाल बार बार सबके दिमाग में भी आता है, बहस का भी मुद्दा है। मैं सिर्फ ये कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी, शार्प क्रिटिसिज्म होने की जरूरत है। जस्टिस लॉ से ऑफकोर्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। बहुत बात होती है कि कोर्ट्स में बहुत केसेस के एरियर्स है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमारे देश में जस्टिस का बहुत एरियर है। 84 के नरसंहार के सिख इसी शहर में आज तक कोर्टों में घूम रहे हैं, करकरडूमा वगैरह में। 2002 के लोग गुजरात में, उनको इंसाफ नहीं मिला। तमाम एनकाउंटर के केस जो हैं, और वो गुजरात में ही केवल नहीं है, कल आंध्र प्रदेश में एक साल पहले 7 अप्रैल को 2 एनकाउंटर जिसको कहते हैं, जो असल में एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, हुए थे। एक जो कुछ नौजवान मुसलमान जो अंडर ट्रायल थे उनको ले जाया जा रहा था सिमी के केस में, और दूसरे जो वुड कटर्स तमिलनाडु के जिनको सेशाचलम फॉरेस्ट में मारा गया था 20 लोगों को। किसी के कोई केस में कुछ हिलता नहीं है। विक्टिम्स जो बहुत गरीब होते हैं किसी ना किसी तरह अदालत तक अपना केस डालते हैं और उसके बाद पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चुप हो जाता है और किसी ना किसी कारण से वो बात आगे खिंच जाती है। इशरत जहां का मुकदमा हो, 2004 का केस है, 2016 तक हर दूसरे दिन उस पर कोई ना कोई बातचीत जरूर होती है। आज ही दोपहर को टीवी में दिखाया गया कि डीजी वंजारा 9 साल बाद वापस गुजरात आए हैं, भगवा रंग की टोपी पहने हुए जिसके ऊपर भारत माता की जय लिखा हुआ है। बहुत बड़े जलूस ने उनका स्वागत किया, तिरंगा झंडा वहां लहराया गया और पूरे बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाता है। मुकदमा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और उसका कारण है जस्टिस और लॉ और जुडिशियल प्रोसेस का आज कोई '47 की आजादी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना, जिसको एक हमारे जो ह्यूमन राइट्स लॉयर थे केजी कन्नाबरन ने, उन्होंने कहा ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम स्लेव टू सब्जेक्ट टू सिटीजन। ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो ह्यूमन राइट्स का एक आंदोलन है, वो स्लेव से सब्जेक्ट से सिटीजन बनने का आंदोलन है। आज के दौर में उस सिटीजन को वापस एक सब्जेक्ट बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के रहते हुए एक पुश बैक चल रहा है और वो कोई, उसके लिए आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वर्डिक्ट नहीं होगा। उसको विजिलांते ग्रुप्स के द्वारा और भाषणों के द्वारा और एक जो डर और खौफ लोगों के अंदर भरा जा रहा है उसके साथ हम लोगों को सिटीजन से वापस एक बार सब्जेक्ट बनाने का यह दौर चल रहा है। संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आजकल कई बार जिक्र किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड कौन करेगा, उसके अंदर बहुत सी बातें हैं। स्टेट की पावर क्या है, स्टेट की पावर पर रोक क्या है, स्टेट के फंक्शनरीज क्या करेंगे और हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है और वो किस तरह से स्टेट की पावर पर
कंट्रोल और संयम करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी अगर हमें लगता है हम अदालतों पर छोड़ दें या विशेषकर सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें, तो हिंदुस्तान का अपना इतिहास, और यहाँ बैठे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान संघर्ष किया है, वो जानते हैं कि ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर नहीं छोड़ी जा सकती। ये जिम्मेदारी उस समय भी इस देश के लोगों ने निभाई थी, संघर्षशील साथियों ने निभाई थी, और आज भी वो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर पड़ेगी और उनको ही निभानी पड़ेगी। कानून की हम लोग कई बार बात करते हैं, सेडिशन के कानून की हाल में बहुत चर्चा रही। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में स्पष्ट लिखा है कि उसका हिंसा के साथ, वायलेंस के साथ इमीडिएट और डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, नहीं तो सेडिशन का ऑफेंस नहीं बनता। उसके बावजूद हम जानते हैं बार बार इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है और कई साथियों को, कई लोगों को उसके अंतर्गत मुकदमे चलाए जाते हैं। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी है, यह कहना कि जब आप पूरे उस लीगल प्रोसेस को जूझ लेंगे, आपको जेल वेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर लंबे अरसे तक केस चलाया जाएगा, आपको अच्छी तरह हम तकलीफ दे देंगे, फिर आप आइए, हम बोल देंगे हाँ हाँ भाई ये तो गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो गया। क्या इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज के दौर में, जब सेडिशन के ऊपर, फ्री स्पीच के ऊपर इतनी बहस पूरे समाज में छिड़ी हुई है, तो क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस बात का उल्लेख करे, वो बोले कि ये पैरामीटर्स हैं, ये एक मानी हुई, जानी हुई, डॉक्यूमेंटेड बात है कि पुलिस वाला जब केस लगाता है तो उस वक्त को उस कानून में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, वो किसके इशारे पर कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, वो बातें बहुत देर बाद अदालतों के सामने आती हैं। मेरा मानना है आज जो सुपीरियर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और इस बहस में स्पष्टीकरण